अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, अब हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद फैज़ाबाद पे, और जैसे ही बस से उतरे तो हमारे बहुत ही प्यारा चाचा असलम साहब इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर उसकी गाड़ी में की डिग्गी में हमने अपना सामान रखा, ये देखें आपके सामने, बल्कि रख रहे हैं, ये गाड़ी की डिग्गी बंद कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। चलें भाई, चाचा हमें नाश्ता भी करवाएं यार, मैं नाश्ता भी करवाएं। नाश्ता करते हुए माहौल यानी के जी। तो दोस्तों हमने नाश्ता कर लिया है, नाश्ता करने के बाद अब चल रहे हैं कहाँ, किधर, मरी की तरफ, मरी नथिया गली की तरफ सर, इंशाल्लाह। और आप लोगों को भी दिखाते चलेंगे साथ साथ तमाशा। हाँ चलो गोदा उस्ताद, उस्ताद रमजान ले रखे सके थे केरी पुल है मुजफ्फराबाद वाली, वो जड़ी हुई है ली पास के है नहीं कोई। हां ये पुल तो ऐसे चले जाते हैं हवा की विलाज बनाना बैठ गया यार। ये हुन श्री नगर उस्ताद जी रोड फैसला वाले से अब ये तो खुली ने पे उस साइड वो फ्लाईओवर कोई नहीं टप्पू तो ये तो सारी तनु है नहीं बेना ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕੋ ਸ਼ਾਮ जी। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 किलोमीटर इस्लामाबाद से आगे सफ़र करने के बाद अब हम बिल्कुल मरी के करीब पहुंच चुके हैं। वो जो है ना वो मरी से नीचे वापस गाड़ियां जा रही हैं इस्लामाबाद की तरफ। अभी हम रुके हैं एक बस रिफ्रेशमेंट के लिए, थोड़े से सुकून के लिए, आराम के लिए। ये देखें यहाँ पे मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, और नीचे के जो व्यूज़ हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा हम जिस मकान में रह रहे हैं वो ये है माशाल्लाह, तो ये हमारे भाई ये हैं मलिक अब्दुर्रहमान साहब आ रहे हैं। आओ सारा साल बिस्मिल्लाह वेलकम करते हैं हम आपको, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। ये हमारे जो है ना काबिल एहतराम मलिक रमजान साहब घुंगरू वाला सेठ, ये हैं हमारे जो है ना काबिल एहतराम चाचा असलम साहब।
और इसको तो आप जानते होंगे, अभी बैग उठा के ये तो ब्रांड है। अभी हम बस रेस्ट करते हैं इंशाल्लाह, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद जो है ना फिर मिलते हैं आप लोगों को। माल रोड का भी विजिट कराएंगे इंशाल्लाह, माल रोड का विजिट आप लोगों को जो है ना नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।